डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम एमपी करंट अफेयर का आपके 1 सितंबर एंड 2 सितंबर का आपके करंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके डेली की तरह हम वन लाइनर वे में करते हैं, वन लाइनर वे में, जिससे कि आपके कम समय में हम सभी करंट आपको बता पाएँ। साथ ही साथ आपके डिटेल्ड भी यहाँ पर प्रोवाइड होता है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को एंड इसका PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप एक बार और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हनी ट्रैप केस की जांच कर रहे SIT, जो आपके इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है आपके, उसका नया चीफ किसे बनाया गया है यहाँ पे? हनी ट्रैप केस की जांच के लिए यहाँ पे आपके नया चीफ बनाया गया है SIT का, विपिन महेश्वरी को इसका आपके नया चीफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन ने अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित जो आपके पद्म पुरस्कार में पद्मभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, इसे व्यक्तियों का चयन समिति का गठन किया है, तो यह है आपके इसमें मुख्य सचिव का, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन था हमारा कि भारत सरकार द्वारा स्थापित जो ये पुरस्कार हैं, इसकी अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ पर समिति का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूड प्रोसेसिंग एंड आपके हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्ष में कितने अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? जो यहाँ पे अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे वो आपके 5 क्लस्टर यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे आपके फूड प्रोसेसिंग एंड आपके हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस नियम में संशोधन किया गया है जिससे अब सहकारी सोसाइटियों का पेंशन ऑनलाइन किया जाएगा? तो किस आपके यहाँ पे सोसाइटी नियम में आपके संशोधन किया गया है, यह है आपके मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, जो आपका 1962, इसमें आपके संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया, आइए जानते हैं। अब क्या होगा, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन सहकारिता के पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पर समस्त दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन सोसाइटी के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ये जो बदलाव है आपके 58 वर्ष पुराने मध्य प्रदेश सरकारी सोसाइटी नियम 1962 में आपके ये सभी बदलाव किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश की उपयोजना के अंतर्गत खेत तालाब निर्माण लाभ कितने एकड़ तक के लघु एवं सीमांत कृषकों को यहाँ पे दिया जाएगा? 5 एकड़ तक के। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है मध्य प्रदेश, जहाँ एक और आपके अकुशल जॉब कार्ड धारियों को 100 दिवस का रोजगार देने की गारंटी देता है, यही इसमें खेत तालाब निर्माण के साथ इन उपयोजनाओं का लाभ जो है 5 एकड़ तक के लघु एवं सीमांत कृषकों को दिया जाता है। इसमें आपके जो लघु एवं सीमांत कृषकों के भूमि पर मेढ़ बधान, खेत तालाब, हितग्राही कूप निर्माण, खेत एवं मेढ़ पर फलदार वृक्षारोपण जैसे कार्यों को क्रियान्वित करके अधोसंरचना निर्माण से स्थायी आजीविका को जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो इसमें आपके 5 एकड़ तक के लघु एवं सीमांत कृषकों को ये आपके दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट का यहाँ पे आपके नाम शामिल हो गया है? ये है आपके राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि आपके भोपाल में स्थित है, राजा भोज एयरपोर्ट। देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट शामिल हो गया है। एयरपोर्ट के आपके रनवे पर रिकॉर्पोरेटिंग के 2 साल बाद यहाँ पर घर्षण परीक्षण किया गया है, इसमें कोई कमी नहीं मिली है, तो यानी कि यहाँ पर बड़े विमानों की सुरक्षित लैंडिंग भी कोई बाधा नहीं है। क्या है आपके रिकॉर्पोरेटिंग और घर्षण परीक्षण, जो विमान लैंड होते वक्त सबसे पहले टायर रनवे को स्पर्श करते हैं। रनवे जो होता है सीमेंट से बना होता है, सीमेंटेड हिस्से पर आपके कॉर्पेट की तरह बेस बनाया जाता है ताकि विमानों के टायर खराब ना हो। तो सीमेंटेड कॉर्पेट खराब होने से आपके जो क्या होता है कि यहाँ पे व्हील वेस टच होते ही झटका महसूस होता है और टायर फटने जैसी घटनाएं होती हैं, तो रिकॉर्पोरेटिंग होने के बाद यह समस्या नहीं रहती है। और इसी रनवे पर घर्षण परीक्षण होता है, इससे यह देखा जाता है कि किसान जो आपके विमानों के टायर स्पर्श होते समय कोई बाधा तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं पाया गया है, इसलिए सबसे सुरक्षित सूची में आपके शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति कब से लागू हो रही है आपके? 1 सितंबर 2020 से लागू हो रही है मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति। इसमें अगर हम बात करें तो
जो आपके मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो नई शिक्षा नीति के साथ ही 1 सितंबर 2020 से आपके यहाँ पे ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरुआत कर रहा है आपके 9वीं से 12वीं की, जिसमें कि आपके ये जो आपके जो सुविधाएं मिलेंगी वो आपके मौसम ऐप पर मिलेंगी, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि इसमें विद्यार्थियों को इस बार आपके ओपन बुक के तहत मूल्यांकन होगा, जिससे कहीं भी आपके ये दे सकते हैं एग्ज़ाम, और पूरा पेपर यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका होगा, और यहाँ पे ऐप से ही हर सप्ताह आपकी परीक्षाएं भी होंगी, ठीक है, मासिम ऐप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति के ऐसे विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अध्ययन के संभागीय स्तर पर कितने रुपए देने होंगे? तो आपके 2000 रुपये की राशि यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर हम बात करें डिटेल की, तो जो आपके संभागीय स्तर पर अध्ययन के लिए 2000 रुपये, जिला मुख्यालय पर आपके अध्ययन के लिए 1500 रुपये एवं अन्य स्थानों पर आपके 1000 रुपये की राशि यहाँ पे छात्रगृह का लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 140 विमुक्त जाति छात्रावास आश्रम का संचालन किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश की जो विमुक्त जाति बस्ती में अधोसंरचना के कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस खेल को मध्य प्रदेश स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य शामिल करने की यहाँ पे घोषणा की गई है? तो यह खेल है आपका हॉकी। हॉकी को शामिल करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग में हॉकी खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा इसमें। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर के तहत 3 अलग अलग प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। वृहद मेगा सेंटर के तहत शूटिंग, हॉकी एवं रोइंग खेल को यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ ही साथ खेलो इंडिया जो स्मॉल सेल्टर के लिए 25 जिलों में से 14 जिलों के लिए यहाँ पर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। पहले चरण में आपके 5 जिले मुरैना में बैडमिंटन और आपके एथलेटिक्स, सतना में आपके बैडमिंटन और आपके वेट लिफ्टिंग, सीहोर में आपके फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग, इंदौर में आपके वेट लिफ्टिंग और कुश्ती तथा उज्जैन में आपके शूटिंग और कुश्ती के छोटे सेंटर यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ खेलो इंडिया योजना के तहत मध्य प्रदेश के कुल 90 खिलाड़ियों को यहाँ पे चयनित कर एडवांस ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें कि तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी, पुरुष एवं महिला रोइंग तथा शूटिंग के 38 खिलाड़ियों का चयन यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य स्पोर्ट्स अकादमियों के लिए भी यहाँ पे किया गया है। तो ये सभी आज आपके 1 सितंबर एंड 2 सितंबर के आपके करेंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डे से हम डेली आपके लिए यहाँ पे करेंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।